गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग डाउ जोन से और देखते हैं ग्लोबल क्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि कल अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ। तो अगर हम लोग देखें अमेरिकन मार्केट्स कई दिनों से अपनी बढ़त ऊपर की ओर बनाए हुए हैं। कंटिन्यूस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक अच्छी खासी अप ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी दिनों से, और कल भी उसमें वापस एक इजाफा हुआ करीब करीब 200 पॉइंट का, और 200 पॉइंट नया हाई बना के बंद हुआ। लेकिन यही अगर चीज़ को हम लोग नैसडैक में देखें तो वहाँ एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और कल भी वहाँ भी कोई खास नहीं, केवल 22 पॉइंट की एक बढ़त दिखी, जिसको कि हम लोग कहेंगे कि फ्लैट ही रहा। और इसका असर अब हम लोग अपने जो एजेक्स निफ्टी है वहाँ अगर देखते हैं तो वहाँ बेसिकली एक 29 पॉइंट 30 पॉइंट की हमको गिरावट दिख रही है। तो ये जो 29 30 पॉइंट की गिरावट है और उसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग कहाँ खुलेंगे और आज का मार्केट क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी की, तो पहले निफ्टी का एक डेटा भी चेक करें कि निफ्टी का डेटा हमको क्या दिखा रहा है। तो निफ्टी का डेटा अगर हम लोग देखें तो कल यहाँ 18 19 700 में काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, और थोड़ा सा हम अगर देखेंगे कि पुट एंड अनवाइंडिंग भी हुई है। तो पुट अनवाइंडिंग और कॉल राइटिंग ये कुल मिला के ये दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर है और मार्केट अभी कुछ और नीचे गिर सकता है। कुल मिला के अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो 19700 पे जहाँ के आसपास हम लोग खड़े हैं अभी, वहाँ पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों अपने जगह पे हैं। 19800 पे हाईएस्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 700 भी अभी फ़िलहाल को हमको देखना पड़ेगा कि ये बाउंड्री का जैसे बाउंड्री की तरह काम करेगा। तो आज मॉर्निंग कहाँ खुलता है और किस और चलता है वो देखते हैं। अगर तो ये देखिए, तो मैंने 700 को ऑलमोस्ट बाउंड्री बनाया हुआ है, और 19728 ये मेरी लेवल होगी कि अभी हम लोग उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी फिलहाल। ओके, और ये अगर क्रॉस कर गई तो हमको ये दो लेवल आते हुए देख सकते हैं, जो है कि 19784 ये मेरी पहली लेवल होगी, और वापस से ये एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। ओके, तो नीचे से अभी हम लोग 665 के पास में हैं, तो पहला रेजिस्टेंस तो 700 ही होगा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए 783 का होगा। तो यहाँ भी हमको ये देखना होगा कि इससे आगे निकलने के चांसेस आज बहुत कम है। भले मैंने आपको दूसरा लेवल दिया, लेकिन ये 7800 के ऊपर निकलने का चांसेस इसके बहुत कम है। तो हो सकता है हम लोग और नीचे जाए, जहाँ है वहीं से अगर हम लोग नीचे जाना शुरुआत करते हैं तो आपको फिर शॉर्ट करना है। फिर आपके नीचे के जो टारगेट होंगे 19596 और 19524, तो ये जो नीचे दो टारगेट्स हैं अगर हम लोग नीचे इस लेवल के नीचे जब भी रहेंगे हमको तो शॉर्ट करना है फिर ऊपर करना, और 700 हमारे लिए बाउंड्री होगी। ऊपर भी जाएगा तो यहाँ से वापस आने के ही चांसेस हैं, तो आपको ये मैं बता दूँ। तो ये आपका सेलिंग जोन है, 700 800 दोनों भी सेलिंग जोन है, यहाँ आएंगे तो आपको शॉर्ट करना है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो देखते हैं, तो हम लोग कुल मिला के जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी का भी डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहाँ भी हम देखेंगे काफ़ी सारी कल कॉल मतलब जो रहा है यहाँ एडिशन हुआ है कॉल राइटिंग में अच्छा खासा, और कहीं थोड़ा बहुत जो है पुट अनवाइंडिंग भी हम लोग यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अब जो हमको समझ में आ रहा है कि 46,000 है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है दोनों साइड के लिए, पार करना और ना पार करना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे लिए आज बाउंड्री लाइन होगी, इस वजह से कि यही हमारा हाईएस्ट कॉल राइट कॉल और पुट राइटिंग का डेटा दोनों भी यही दिखा रहा है। अगर ये पार करते हैं तो फिर हमारे पास में 46,000 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका काम करेगा, और नीचे की ओर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कहीं है नहीं, तो इसीलिए हम अपने सपोर्ट लेवल की बात करेंगे यहाँ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ ऑलरेडी 46
1000 को अपना बाउंड्री बनाया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अगर यहाँ से हम उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम लोग ऊपर कहीं जाते हैं तो यहाँ से वापस आपको शॉर्ट करना है। तो मेरा यहाँ हम लोग शॉर्ट करेंगे, और इसके नीचे अगर हम लोग नीचे फिसलना शुरू करते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे 45,558। ये हमारी पहली लेवल होगी शॉर्ट की। और फिर हम सेकंड जो लेवल रहेगी हमारी वो होगी 45,756, और थर्ड जो लेवल होगी वो 45,669। इन तीन लेवल के लिए हम लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले गैप ऊपर खुलते हैं तो यहाँ आपको शॉर्ट करना है, अगर नीचे ही खुलते हैं तो आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये लेवल में आके कहीं भी देखना है कि हम कहाँ हैं, जब तक कि 46,000 के ऊपर नहीं निकलते हम शॉर्ट पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। अगर हम लोग ऊपर निकल गए 46,000 के, तो फिर हमको यहाँ से बाय करना है। फिर 46,143 और 46,277, है ना, 277 को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा और ये आ जाएगा हमारा यहाँ, तो 46,255 ये हमारे लिए आज का लेवल होना चाहिए, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस से मार्केट रिवर्स देगा। तो थर्ड लेवल दी है मैंने, लेकिन चांसेस यही है कि ये सेकंड लेवल से वापस से मार्केट घूमेगा, क्योंकि वहाँ का भी डेटा काफ़ी स्ट्रांग है। जो 46,200 हम लोग ने देखा, तो 46,200 से ऊपर थोड़ा बहुत निकल सकता है, तो 46,255 और ये हमारी लेवल होना चाहिए आज की ऊपर साइड की। 46,255 ये अपर रेंज हो सकती है मेरी आज के लिए, और नीचे की रेंज तो जो है वो 46,969 के आसपास भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये आपके लेवल्स होने चाहिए आज के। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ उसको आप एज अ एजुकेशनल पर्पज़ से देखें, ना कि उसको कोई लेवल, मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई लेवल आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ घूम सकता है, कहाँ किस लेवल पे क्या रिएक्शन आ सकती है। इन रिएक्शन को आप समझे और लेवल टू लेवल काम करें, और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और आपका दिन आज का प्रॉफिटेबल हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।